हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी। फ्रेंड्स, सी टेट 2022 के लिए ईवीएस की मैराथन क्लास रहेगी और इसमें आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स पेपर में आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन को प्रमुख रूप से कितनी थीमों में और कितनी सब थीमों में डिवाइड किया गया है? तो 6 थीमें होती हैं और इसकी 4 सब थीमें होती हैं। ठीक, तो ये 6 थीमें कौन कौन सी हैं? इससे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की थीम है या फिर नहीं है, या फिर जो सब थीमें हैं इनको किस थीम के अंतर्गत रखा गया है। तो एक तो इफेक्ट वाला क्वेश्चन बनता है और एक बनता है आपका पैडागोजिकल वेज। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। यदि आपको ये 6 थीमों के नाम और 4 सब थीमें याद रहती हैं तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होंगे। ठीक, तो पर्यावरण की 6 थीमें होती हैं। पहली है परिवार एवं मित्र, दूसरी होती है भोजन, तीसरी होती है आश्रय, चौथी होती है जल, पांचवी होती है यात्राएं, और हम जो सोचते और करते हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो हमारा एक परिवार और हमारे मित्र होते हैं, तो उनको खाने के लिए भोजन, रहने के लिए आवास, पीने के लिए जल, घूमने के लिए यात्राएं, और इस तरह का सारे लोग सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद कर लें। अब जो सब थीमें हैं इनकी संख्या कितनी है? 4 है। सब थीम कह दें या उप विषय कह दें या उप थीम कह दें, एक ही बात है। तो पर्यावरण की इन 4 उप विषयों को परिवार और मित्र विषय के अंतर्गत रखा गया है। आपकी जो परिवार एवं मित्र नामक मुख्य थीम है इसके अंतर्गत ही आपकी ये 4 सब थीमें आती हैं। तो ये 4 सब थीमें कौन कौन सी हैं? तो पहली है आपकी कार्य एवं खेल, दूसरी होती है संबंध, तीसरी होती है पेड़ पौधे, और चौथी होती है पशु। तो ये 4 सब थीमें हैं और 6 आपकी मुख्य थीमें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा हम स्पीड के साथ में चलेंगे ताकि आपका पूरा मैटर कवर हो जाए, और आपका यदि एग्जाम्स कल परसों में ही है तो आपको ये क्लास जो है बहुत ही हेल्प करेगी। अब देखते हैं मानव आवास पर बनने वाले प्रश्न कि कहाँ पर किस तरीके के आवास बने होते हैं। तो सबसे पहले बांस के मजबूत खम्भों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर कहें या फिर 10 से 12 फीट ऊँचे जो घर हैं वो कहाँ पर बने होते हैं? आपके असम राज्य में, और इनकी छतें ढालू होती हैं। अब इतनी ऊंचाई पर घर क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ बारिश अधिक होती है। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में पूछ लें कि जो बांस के मजबूत खम्भों पर बने घर हैं वो किस राज्य में बने होते हैं, तो असम राज्य में। अब इससे फैक्ट मतलब आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, एक तरफ दे देते हैं राज्य और एक तरफ दे देते हैं आपके मकान कहाँ पर किस प्रकार के हैं। नेक्स्ट है आपका पत्थर एवं लकड़ी, और जो यहाँ पर फैक्ट लिए गए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है, टू द पॉइंट। ठीक, तो पत्थर एवं लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पर पाए जाते हैं इस तरीके के? मनाली, जो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो मनाली को याद रखेंगे हम पनाली से, क्या पनाली। ठीक है, आपको याद करने की ट्रिक बता दी, पनाली में पास ही पत्थर हो गया और ली से लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के घर आपके मनाली हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के घर, कैसे घर, मिट्टी के बने हुए घर किस राज्य में पाए जाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन फैक्ट वाला है, तो राजस्थान राज्य में। अब जो मिट्टी के बने हुए घर होते हैं इनकी जो छतें बनाई जाती हैं वो कटीली झाड़ियों से, अब झाड़ियाँ आपकी नीम और कीकर से बनाई जाती हैं, एवं इनके फर्श को गोबर से लीपा जाता है। किस राज्य में इस तरीके के घर होते हैं? तो ये जो विशेषता है ये राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जो घर पाए जाते हैं उनकी विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी के बने जो घर हैं उनको गोबर से क्यों लीपा जाता है? तो वो इसलिए ताकि उसमें दीमक ना लगे। ठीक, नेक्स्ट पत्थर के बने घर, यहाँ याद रखना केवल पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है, इनकी छतें ढलान वाली एवं बर्फ से ढकी होती हैं। मतलब बर्फ सबसे ज़्यादा आपके लद्दाख जम्मू कश्मीर साइड पड़ती है, तो ये ऑप्शन यदि आपका जम्मू कश्मीर है तो वो भी राइट है, और यदि लद्दाख है तो ये भी आपका सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? इग्लू। नेक्स्ट, यह एक प्रकार का लकड़ी का घर है जो पानी पर तैरता है, इस पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी होती है जिसे क्या कहते हैं? खतमबंद। तो यह जो घर हैं इस तरीके के जम्मू कश्मीर और केरल राज्य में पाए जाते हैं, तो इनका उपयोग पर्यटन के लिए होता है। तो ये सारी विशेषताएं जो कहलाती हैं वो एक प्रकार का घर है, हाउस बोट। तो यदि पूछ लें कि हाउस बोट जो घर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर और केरल में, और इस पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी जो होती है उसे कहते हैं खतमबंद। ठीक, नेक्स्ट है नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाते हैं? आपके डोंगे कहलाते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख जो आपका है इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, लद्दाख को याद रखना,
और यहाँ पर चांगपा जनजाति पाई जाती है जो याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाती है, और टेंट इनके टेंट को क्या कहते हैं, रेबू कहते हैं। ठीक है, अब जो यदि आपसे पूछ लें कि अस्थाई निवास क्या कहलाते हैं, मतलब कम समय के लिए केवल शिकार के लिए बनाए जाते हैं, तो वो टेंट कहलाते हैं, शिकारी लोग इनका उपयोग करते हैं। तो जो चांगपा जनजाति है लद्दाख में, जो इनके टेंट बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, यहाँ पर रेबू कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हवेली, तो हवेली राजा महाराजाओं के द्वारा बनवाई जाती थी पहले के समय में, देखने में ये बहुत बड़ी और बहुत अधिक कमरों वाली होती हैं, और दरवाजों और छतों पर सुंदर सी नक्काशी इन पर की जाती है, और इसमें जो हवेलियाँ होती हैं इनमें लकड़ी और पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट है खिरगीज जनजाति, तो जो खिरगीज हैं इनके दो प्रकार के मकान होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन, तो इनके ग्रीष्मकालीन मकान को युर्त कहते हैं जबकि शीतकालीन मकान को किस्ताऊ। ठीक, तो इतना आपके मानव आवास से, इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इतने ही मकानों का जिक्र है। अब हम देखते हैं चित्रकारियाँ, कहाँ पर कौन सी चित्रकारी, इससे भी आपके एक नंबर तो बिल्कुल आना ही है और दो भी आ सकते हैं। ठीक है, पिछली बार दो दो क्वेश्चन यहाँ से बने थे, तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, चित्रकाठी चित्रकारी किस राज्य की प्रमुख लोक चित्रकला है? तो केवल नाम ही पूछते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। तो चित्रकाठी चित्रकारी आपकी महाराष्ट्र में, और किस तरीके से होती है आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो जो चित्रकाठी चित्रकारी है यह कला महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है, और इस कला में किसी कहानी को, मतलब हमें कोई कहानी बतानी है तो हाथ से बने कागज़ पर हम उसे प्रस्तुत कर लेते हैं, और फिर इस इमेज के माध्यम से, मतलब चित्र बना करके, ये चित्रकारी करके और बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। और इसमें जो कलर का प्रयोग होता है वो प्राकृतिक रंग होते हैं। प्राकृतिक रंग का मतलब होता है जैसे हल्दी का प्रयोग कर लिया, और फूल जो फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनके रसों का प्रयोग कर लेते हैं, नील का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रंग इनका इसमें उपयोग होता है। नेक्स्ट है बर्ली कला, तो चित्रकाठी चित्रकारी आपकी किस राज्य की है? महाराष्ट्र। इसके बाद दूसरी है आपकी बर्ली कला। ठीक है, तो ये बर्ली चित्रकारी जो होती है, पूछेगा आपसे कि बर्ली कला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है, तो ये आपकी कहाँ की है, ए भी आपका। पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बर्ली कला होती है या जो बर्ली जनजाति है वो आपकी, जब बर्ली कला महाराष्ट्र की है तो जनजाति भी कहाँ पाई जाती है आपकी, महाराष्ट्र में। ठीक, फिर जो बर्ली चित्रकारी की जाती है इसमें जिस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया था कि वो किसका बना होता है। अब आपके ऑप्शन में था मिट्टी और पत्थर, ठीक है, इस तरीके से फिर दिया था आपका मिट्टी और गाय के गोबर, तो इस तरीके के आपके ऑप्शन थे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बर्ली कला आखिर होती क्या है। ठीक, तो बर्ली कला महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध है। बर्ली चित्रों में जो ब्रश के रूप में चढ़ाने वाली बाँस की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जो बांस की लकड़ियाँ होती हैं आप देख रहे हैं पतली पतली सी, इनका प्रयोग मतलब ब्रश के रूप में करते हैं। और इस कला में किसका प्रयोग होता है, मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण का, तो यही आपका क्वेश्चन बना था। तो याद रखना, बर्ली कला में जो मिश्रण प्रयुक्त होता है वो है मिट्टी और गाय के गोबर का। इस कला में चावल का पेस्ट, पानी और लेई का मिश्रण भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो कलर हैं आपके, इसकी जो पृष्ठभूमि है ये आपकी गेरू कलर की रखी जाती है, और मुख्य रूप से इसका यदि कलर पूछते हैं कौन सा होता है तो वाइट कलर इसका होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका चित्रकारी से, मधुबनी चित्रकारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? तो यह है आपके बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है, और आप देख सकते हैं किस तरीके की ये चित्रकारी होती है। अब थोड़ा सा ये टॉपिक आपका मधुबनी चित्रकारी में, इसमें ज़्यादा पॉइंट है तो आपको ये याद रख लेने हैं, बस कहानी के रूप में सुनना, सारी याद हो जाएंगी। ठीक, तो मधुबनी चित्रकारी को मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ था मिथिला में, तो मतलब वहाँ पर क्या था, इसी तरीके के ये चित्र बनाए गए थे। राजा दशरथ जब वहाँ पर गए थे तो ये चित्र उन्होंने देखे और इसकी प्रसन्नता भी की थी। ठीक है, मतलब प्रसन्नता व्यक्त की थी अपनी। तो इस चित्रकारी में बिहार राज्य की, मतलब यदि आपसे ज़िले पूछता है तो प्रमुख रूप से ज़िले यदि पूछता है, राज्य तो आपका बिहार हो गया, ज़िले कौन कौन से हैं वहाँ की, तो दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह कला प्रसिद्ध है। तो मुख्य रूप से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है कि मधुबनी चित्रकारी बिहार राज्य के किस ज़िले में प्रसिद्ध है, तो मुजफ्फरपुर आपका सबसे वहाँ पर ऑप्शन रहता है, तो यही आपको सही लगाना है। इसके अतिरिक्त यदि ऑप्शन दिए गए हैं तो ये सारे ही आपके सही रहेंगे, इसके अलावा जो जिला होगा वो वहाँ पर ही चित्रकारी नहीं है। नेक्स्ट है आपका,
प्रारंभ में जो मधुबनी चित्रकारी थी, पूछ सकते हो ऑप्शन के रूप में कि जो मधुबनी चित्रकारी है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत है। तो प्रारंभ में यह कला केवल रंगोली के रूप में प्रचलित थी, मतलब केवल पृथ्वी पर जैसे चौक पूरते हैं उस तरह से इसमें रंगोली केवल प्रचलित थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे यह विकसित होती गई और अब वर्तमान समय में जो मधुबनी चित्रकारी है यह दीवारों पर, कपड़ों पर, अभी आपने मार्क्स देखे होंगे उन पर भी बहुत ही फेमस ये चित्रकारी रही और कागजों पर भी होने लगी है। पहले ये चित्रकारी मिथिला की औरतों के द्वारा शुरू की गई थी, घरेलू चित्रकला थी, ठीक है, लेकिन अब इसको पुरुषों ने भी अपना लिया है और बढ़ चढ़कर इस चित्रकारी में हिस्सा लेते हैं और आर्थिक यहाँ पर सहायता इनको इससे हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है, इस चित्रकला में यदि आपसे पूछता है किसकी तस्वीरें, तो ज़्यादातर जो आपकी चित्रकारियाँ हैं इसमें लोक देवी देवताओं के ही चित्र अंकित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मधुबनी चित्रकारी में प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य, चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे, तुलसी, विवाह, पशु पक्षियों के चित्र, मछलियों के चित्र, जानवरों के चित्र आदि इसमें देखने को मिलते हैं और इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। नीले कलर के लिए नील का प्रयोग, हल्दी का प्रयोग, चावल के पेस्ट का प्रयोग, सफ़ेद कलर के लिए पौधों के रसों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दुल्हन दूल्हे का चित्र बना हुआ है, तो ये आपकी मधुबनी चित्रकारी, वृक्ष का चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको इस पर अंकित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फाड़ चित्रकारी। ये जितनी भी चित्रकारियाँ ली हैं ये आपके NCERT में दी गई हैं। तो फाड़ चित्रकारी पिछली बार भी पूछा था कि किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है, तो यह राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चित्रकारी की जाती है। अब देखते हैं इसके बारे में कि यह राजस्थान की लोक चित्रकला है। पेंटिंग की यह शैली पारंपरिक रूप से कपड़े या कैनवास के लंबे टुकड़े पर की जाती है, ठीक है। एक कैनवास का टुकड़ा है जिस पर एक चित्रकारी की गई है जिसे फड़ के नाम से जाना जाता है। इस चित्रकला में राजस्थान के लोक देवी देवताओं को चित्रित किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये वहाँ की ही लोक चित्रकला है। इस कारण से राजस्थान के जो भी लोक देवता होते होंगे उनको इस पर अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी पट्टा चित्रकारी। ये कहाँ की है, आपकी उड़ीसा राज्य की। देख सकते हैं इस पर भी ये देवता का चित्र अंकित है, मतलब ज़्यादातर लोक देवी देवताओं को ही अंकित किया जाता है। पट्टा चित्रकारी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है, तो राज्य है उड़ीसा। अब देखते हैं पट्टा चित्रकारी उड़ीसा की पारंपरिक कला है और इसमें हिंदू देवी देवताओं को चित्रित किया जाता है। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। नेक्स्ट है आपकी पोचमपल्ली और कलमकारी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है, तो पोचमपल्ली और कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है और यह जो चित्रकारी है मूल रूप से साड़ियों पर की जाती है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं कलमकारी और पोचमपल्ली, यदि आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो फिर तेलंगाना भी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पहले इनका डिवाइडेशन नहीं हुआ था, वर्तमान समय में 2014 से इनको अलग अलग कर दिया गया है, तो ये दोनों में ही फेमस है, ठीक है, कलमकारी और पोचमपल्ली कला। तो इसमें साड़ियों पर विशेष प्रकार की बुनाई की जाती है और यह साड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जामदानी बुनाई। तो जो जामदानी बुनाई है ये कहाँ पर फेमस है, आपकी पश्चिम बंगाल में। जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे महीन मलमल की साड़ी होती है और इसमें सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है पटोला बुनाई या बंडाना डिजाइन, यह गुजरात और राजस्थान। जो पटोला बुनाई है मूल रूप से आपकी गुजरात की है और यह एक विशेष प्रकार की रेशमी साड़ी होती है। नेक्स्ट है पश्मीना शॉल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर, यदि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है या लद्दाख, तो दोनों ऑप्शन में है तो दो ही सही रहेंगे और एक यदि दिया है तो इनमें से मतलब दोनों जगह ही फेमस है, ठीक। अभी पश्मीना शॉल क्या होता है, तो जो चांगपा जनजाति होती है वहाँ पर उनके द्वारा कुछ बकरियाँ पाली जाती हैं जिनसे ये ऊन प्राप्त करते हैं और बकरियों के ऊन के द्वारा ही जो शॉल बनाए जाते हैं उसे पश्मीना शॉल कहते हैं और एक पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। इनका जो एक बाल इतना पतला होता है पश्मीना से, मतलब जो बकरियां होती हैं जिससे शॉल बनते हैं, इनका एक बाल इतना पतला होता है कि हमारे छः बाल मतलब इसके एक बाल के बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितनी गर्मी देता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक भूल दिया है, क्या है, इनके 6 बाल और हमारा एक बाल, मतलब इतना पतला होता है, और एक पश्मीना शॉल मतलब बहुत गर्माहट पैदा करता है, तो एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के जितनी गर्मी देता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है आपकी एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई,
ये कहाँ की प्रसिद्ध है आपकी, जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट है पिथौड़ा चित्रकारी, यह मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध चित्रकारी है। नेक्स्ट है सिल्क, सिल्क के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, असम। और चाय के लिए यदि पूछता है तो वो भी आपका असम है। नेक्स्ट है दरिया, दरिया जो है किस राज्य की प्रसिद्ध है, तो जम्मू कश्मीर राज्य की ये फेमस है। नेक्स्ट पिछली बार का क्वेश्चन है इत्र के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो इत्र का जो प्रसिद्ध राज्य है वो है कन्नौज, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चित्रकारी से इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इससे आपका एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं प्रसिद्ध भोजन, कहाँ का भोजन क्या है, इससे भी आपके क्वेश्चन आने ही है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कवर कर लें इसे, जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी यहाँ पर 15+ स्कोर कर सकता है कंटेंट में। ठीक है, तो देखते हैं प्रसिद्ध भोजन पर बनने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनता है आपका, नारियल से बना हुआ टेपियोका कहाँ खाया जाता है, तो आपके केरल राज्य का ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, पिछली बार क्वेश्चन बना था कोप्पा है इसका दूसरा नाम। केले के फूलों की सब्जी, अब कुछ फूल होते हैं जैसे केला हो गया, सहजन हो गया, कचनार हो गया, तो पूछता है एक तरफ दे देगा आपको राज्य और एक तरफ दे देगा केले के फूल, सहजन के फूल, कचनार के फूल, तो मैचिंग वाला ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना केले के फूल केरल, याद रखने में आसानी रहेगी केले और केरल। ठीक है, नाम सेम ही है, तो ये तीन चीज़ें आपकी केरल। नेक्स्ट है अवियल, अवियल क्या कहलाता है, मिश्रित सब्जी, मतलब सारी सब्जियों को मिला करके बनाई गई सब्जी ही अवियल कहलाती है, और ये कहाँ पर खाई जाती है, केरल राज्य में। तो ये चार क्वेश्चन बनते हैं केरल से जो इम्पोर्टेंट हैं भोजन पर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बनता है आपका सरसों के तेल में बनी हुई मछली, और एक होता है नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, तो ये कहाँ पर खाई जाती है, तो सरसों के तेल में बनी हुई मछली जम्मू कश्मीर, जबकि नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली आपके गोवा राज्य की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली बार बना था बांस के कोंपल कहाँ पर खाए जाते हैं, तो बांस के कोंपल और मोमोज एक किस राज्य के प्रसिद्ध व्यंजन है, नागालैंड की। नेक्स्ट है लाल चीटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सरसों का साग, मक्के की रोटी, पूड़ी और भटूरे ये पंजाब राज्य में खाए जाते हैं। नेक्स्ट है दाल चावल और लिट्टी चोखा, पिछली बार क्वेश्चन बना था दाल चावल और ऑप्शन था आपका बिहार, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट है चेबा और बोरा चावल, तो बोरा चावल की जो किस्म है ये कहाँ पर खाई जाती है आपके, असम राज्य में, पिछली बार का क्वेश्चन है, तो असम राज्य में खाई जाती है। और असम का जो प्रसिद्ध फसल त्यौहार होता है बिहू, जब फसल कटती है तो ये उत्सव मनाया जाता है, और वहाँ पर ये चावल बनते हैं, चिपचिपे होते हैं और मीठे करके ये बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बैरमा एक प्रकार की मछली है जो त्रिपुरा राज्य की फेमस है। तुंगतप मछली की चटनी को कहते हैं जो मेघालय राज्य की फेमस है। नेक्स्ट है झींगा मछली, संदेश रसगुल्ला, मछली चावल, झिंगू और पोस्तुई कहाँ पर खाए जाते हैं आपके, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है मलाई खेवर, चूरमा और दाल बाटी राजस्थान की फेमस है। बड़ा पाव, सहजन के फूलों की सब्जी, सहजन के फूलों की सब्जी महाराष्ट्र, कचनार के फूलों की सब्जी केरल। नेक्स्ट है ढोकला, लेमन राइस, बटाटा वड़ा गुजरात, बाजरे की खीर और कड़ी पकौड़े हरियाणा। नेक्स्ट है आपका भुंटे की खीर और दाल वाफला मध्य प्रदेश राज्य में खाए जाते हैं। काफुली पालक और मेथी की बनी डिश होती है जो उत्तराखंड की फेमस है, पिछली बार ये भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है उत्तपम, तो यह डोसे की तरह होती है और इसमें उड़द दाल और चावल को पीस कर घोल तैयार किया जाता है, जो आपके तमिलनाडु राज्य में फेमस है। नेक्स्ट सांप से बनी डिश, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंग हुफेन जिसे कहते हैं, यह कहाँ पर खाई जाती है आपके, हांगकॉन्ग में। नेक्स्ट कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश, अभी याद रखना केले के फूलों की सब्जी आपके केरल में, केले के फूलों की सब्जी केरल में, कचनार के फूलों की सब्जी, कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में, और एक आपकी कौन सी थी, सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ये तीनों याद रखना, केले केरल, कचनार उत्तर प्रदेश, सहजन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इडली डोसा और चावल, केरल कर्नाटक तमिलनाडु तीनों राज्यों में फेमस हैं, ये आपके दक्षिणी राज्य हैं। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपको भोजन से याद रखने हैं कि किसका व्यंजन, मतलब किस राज्य का व्यंजन क्या है, इससे आपका एक नंबर पक्का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेड़ पौधे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, जैसे रेगिस्तानी ओक हो गया, खेजड़ी वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, इसके अलावा आपका घटपर्णी पौधा हो गया, घास हो गई, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं कुछ पेड़ पौधे, सबसे पहले देखते हैं रेगिस्तानी ओक। पूछता है पेडागोजिकल वेस क्वेश्चन बनता है कि रेगिस्तानी ओक के संबंध में निम्न चार कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है या फिर सही है,
तो सारे ये पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तो आपका फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले जो रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष है ये किस राज्य में पाया जाता है, सॉरी कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है, यह वृक्ष करीबन जमीन से 10 से 12 फीट लंबा होता है और इस वृक्ष की जो ऊंचाई है सामान्यतः कक्षा की ऊंचाई, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए ये इनका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है तो उनको इस तरीके से बताया जाता है कि जितनी आपके क्लास की ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई इस पेड़ की होती है लगभग बराबर। ठीक, और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं मतलब जो इसकी रूट्स होती हैं जितनी इसकी ऊंचाई है उसकी 30 गुनी गहरी जमीन तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? जब तक कि वो जल तक ना पहुँच जाएँ। नेक्स्ट है, इस पेड़ में जो तना होता है उसमें पानी जमा रहता है, तो याद रखना पूछता है कि पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग उस पानी का उपयोग पीने के लिए सटक से करते हैं, सटक के माध्यम से निकालते हैं या पतला पाइप डाल करके निकालते हैं, तो वो कौन सा वृक्ष है? तो वो आपका कौन सा है? आपका रेगिस्तानी ओक। जब कभी भी इस इलाके में पानी की कमी या पानी नहीं होता है तो वहाँ के स्थानीय लोग इस वृक्ष के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो इन दोनों वृक्षों में कन्फ्यूजन होता है, एक खेजड़ी वृक्ष और एक रेगिस्तानी ओक, और इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। तो बस ये 4-5 पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे तो फिर आपका खेजड़ी आपको आसानी से याद रह जाएगा। देखते हैं खेजड़ी वृक्ष क्या है। तो जो खेजड़ी वृक्ष है रेगिस्तानी इलाकों में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब जब रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है अर्थात यहाँ पानी की कमी रहती होगी, ठीक है, तो सन 1971 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने, आपने नाम सुना होगा, खेजडली गाँव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया। जिस तरह से चिपकू आंदोलन हुआ था जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसी तरह से जो अमृता देवी बिश्नोई थी उन्होंने इस वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था 363 महिलाओं के साथ में, इसमें इनकी बेटियां भी शामिल थी। ठीक, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने इनके सम्मान में किनकी, अमृता देवी बिश्नोई की, अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। तो पूछ सकते हैं वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार किसके सम्मान में शुरू किया गया, तो अमृता देवी बिश्नोई जो खेजडली गांव से थी। नेक्स्ट है, यह वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष की छाल दबा के काम, मतलब इसका पेड़ का हर एक पार्ट्स इम्पोर्टेंट है। वृक्ष की छाल से मतलब दवा बनती है, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, फलियों की सब्जी बनाई जाती है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वृक्ष। और जो पेड़ है यहाँ पर हमारे, मतलब हम इस पेड़ के बिना रह सकते हैं लेकिन इसके बिना जानवर नहीं रह सकते हैं, ऐसा कथन दिया गया है, और एक कथन था खेजडली गांव के बुजुर्गों का। और यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है, यहाँ अबू धाबी में आपके खजूर के वृक्ष और खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अबू धाबी जो होता है यहाँ पर पेट्रोलियम के उत्पाद हैं और यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा होता है। अबू धाबी की मुद्रा पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखना दिरहम मुद्रा होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पौधा देखते हैं, क्रोटन पौधा। तो पूछ लेता है कि जो क्रोटन पौधा है यह किसका हमें मतलब सूचक होता है, किसका सूचना देता है हमें? तो क्रोटन पौधा जमीन के बारे में हमें उसकी दशा बताता है अर्थात संकेत दे देता है। अब कैसा संकेत? तो क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं और जब मिट्टी सूखने लगती है तो ये पौधे की पत्तियाँ भी सूखने लगती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस स्थान पर पानी की कमी है। मतलब किसका पता देता है हमें, किसका संकेत देता है क्रोटन पौधा, कि यहाँ पर पानी की कमी हो गई है और मिट्टी सूख रही है, अर्थात यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो याद रखना इसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में है, तो छोटे छोटे से जो पॉइंट हैं वो भी हमने यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। नेक्स्ट है नेपेंथीस पिचर प्लांट, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जिसे हम घटपर्णी पौधा कहते हैं। तो पूछता है कि घटपर्णी पौधे के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है या फिर सत्य है? तो याद रखना घटपर्णी पौधा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ, यदि पूछता है भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत की मेघालय राज्य में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है, यह पौधा चूहों, कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जीव जंतुओं को चालाकी से फंसाकर खाता है। अच्छे से पॉइंट याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक करने पर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। दिया है, यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है और इसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा होता है।
और इससे एक विशेष प्रकार की खुशबू यानी सुगंध निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेक्स्ट है शाकाहारी पौधे कौन कौन से होते हैं इसके अलावा, तो ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनीमा और फ्लाईट्रैप, और एक होता है आपका बीनस। तो ये आपके शाकाहारी पौधे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन फंसाता क्या है, कहता है कि जो नेपेंथिस या घटपर्णी पौधा है इसके ऊपर कटीली झाड़ियों का ढक्कन होता है, जो कि गलत रहेगा, झाड़ियाँ नहीं बल्कि पत्तियों का ढक्कन लगा होता है। आपको दूसरा ऑप्शन देता है फंसाने के लिए कि यह एक प्रकार की तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, जो गलत है। यह एक प्रकार की सुगंध यानी खुशबू निकालता है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और यह जैसे ही उस पर बैठते हैं इसके मुँह पर ढक्कन पर, और ये बंद हो जाता है। तो ये एक प्रकार का शाकाहारी पौधा है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है नोट पॉइंट। विष्णु चिंचलाकर मध्य प्रदेश इंदौर के थे जो सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे, ये भी याद रखना, एनसीईआरटी का फैक्ट है। नेक्स्ट है आपका वृक्ष बरगद, जिसे बनियान ट्री कहते हैं। तो इसके बारे में पूछता है कि वह कौन सा वृक्ष है जिसकी जो टहनियाँ हैं वो उसे जड़ों के रूप में सहायता प्रदान करती हैं, तो वो आपका बरगद होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये पेड़ की टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। ठीक, नेक्स्ट है घास का पौधा। मतलब आप कहेंगे कि घास भी पौधा है, तो बिल्कुल, घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना या उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे होता है और फैला हुआ यह होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और इन्हें खुरपी की मदद से खोद करके निकाला जाता है। तो ये खुरपी का जिक्र आया है, तो आपको बता दें जो आपका कर्नाटक राज्य है वहाँ पूछा जाता है कि कर्नाटक राज्य में जो आपकी खेती होती है उसको मतलब नरम बनाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका खुरपी होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपके पौधे के भाग जिसे हम खाते हैं, तो पूछ लेता है कौन कौन सी जड़ें होती, कौन सी तने होते हैं, कौन सी आपकी पत्तियां होती, कौन से फूल होते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब छोटा ही सा टॉपिक है, आप याद रखना इसे। मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंद, ये आपकी जड़ें होती हैं जिनका प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है आलू, प्याज और अदरक, ये आपके तने होते हैं, इनका उपयोग भी हम खाने के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है पत्तियाँ, जिसमें आपकी धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, करी पत्ता आते हैं। नेक्स्ट है बीज, बीज में आपका चना, बाजरा। पूछता है निम्न में से कौन सा एक बीज नहीं है, तो ये चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, ये सारे बीज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फूल, तो फूल कौन कौन से होते हैं, सहजन, केला, कचनार। सहजन महाराष्ट्र, केले के फूलों की सब्जी केरल, कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। नेक्स्ट फली, फली कौन कौन सी होती हैं आपकी, मटर और सेम। ठीक, नेक्स्ट है आपका टॉपिक विदेश से आने वाली सब्जियां। पिछली बार इससे काफ़ी क्वेश्चन बने, पूछता है कि भारत देश में जो हरी मिर्च है इसका उपयोग खाने के रूप में मूल रूप से किया जाता है, तो यह जो मिर्ची लाने वाले व्यापारी थे वो किस देश से आए थे और कौन थे। तो आपको बता दें हरी मिर्ची, टमाटर भी पिछली बार पूछा गया था, और आलू, ये आपके दक्षिण अमेरिका से आए थे, और कौन लेकर के आए थे, पुर्तगाली, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है आपका यूरोप, यूरोप से आने वाली सब्जियां हैं गोभी और मटर। अफ्रीका से कॉफ़ी बीन्स और भिंडी। नेक्स्ट है चीन से आया था सोयाबीन। सात समंदर पार से आलू, मक्का और चाय। यदि ऑप्शन में इस तरीके का दिया है और आलू, तो ये सही रहेगा, और यदि ऑप्शन में सात समंदर पार नहीं दिया है तो फिर आलू में दक्षिण अमेरिका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देसी चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है, तो वो हैं आपकी बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी। इतनी चीज़ें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक पादपों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन। तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना जलोद्भिद पौधे, समोद्भिद पौधे, कभी कभी पूछ लेता है जलोद्भिद पौधे मतलब इनका निवास स्थान मतलब क्या कहलाता है, तो याद रखना हाइड्रोफाइट्स जिन्हें कहते हैं। यह पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर होते हैं। आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, यह जल में भी हो जाता है। तो जो पौधे अधिक जल वाले स्थानों पर उगते हैं वो आपके जलोद्भिद पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है समोद्भिद पौधे मतलब मीजोफाइट्स। यह पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं, मतलब इनको ना अधिक जल की ज़रूरत होती, ना ही अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों की, बल्कि सामान्य स्थानों पर उगने वाले पौधे हैं मीजोफाइट्स। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले
सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। नेक्स्ट है मरुद्भिद पौधे, तो इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं। मरुस्थल का मतलब रेगिस्तानी इलाके जहाँ पानी की कमी होती है। तो पूछ सकता है कि पानी की कमी वाले स्थानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। मृदा में पानी की कमी रहती है और तापमान अधिक, जैसे आपका राजस्थान साइट का इलाका है तो वहाँ इस तरीके के पौधे काफ़ी देखने को मिलते हैं और इनकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है, मतलब बौने होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया। नेक्स्ट है लवणीय पौधे, हेलोफाइट्स, खारे जल वाली जगहों पर जो पौधे उगते हैं वो लवणीय पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट है बीज, बीज से आपके पिछली बार क्वेश्चन बने थे, जो बीजों का प्रकीर्णन होता है, मतलब एक जगह से बीज दूसरी जगह पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उग जाते हैं, तो पूछ लेते हैं कि कौन से बीज किसके माध्यम से प्रकीर्णित हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो बीज हैं इनको प्राचीन समय में सूखी लौकी में रख कर उस पर मिट्टी का लेप कर देते हैं और फिर नीम की पत्तियां डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि जो इसमें कीड़े ना लगें, जो नीम की पत्तियां होती, कीकर की पत्तियां, इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर एवं पानी के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो जो स्वयं ही अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं वो कौन से होते हैं? आपके NCERT में दिया है सोयाबीन की फलियां। जब ये पक जाती हैं तो पक करके चटक जाती हैं और उसमें से बीज बाहर बिखर जाते हैं और जब फिर से पुनः सोयाबीन का मौसम आता है तो ये पौधे उग जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका काली मिर्च, सौंफ और गेहूँ, ये बीज होते हैं। नेक्स्ट नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू, इसमें भी बीज पाए जाते हैं। पिछली बार का क्वेश्चन है तो ऑप्शन देता है कि निम्न में से किसके अंदर बीज होते हैं। अब चार चार ऑप्शन करके ऐसे देंगे तो याद रखना इन चीज़ों में आपके बीज होते हैं। नेक्स्ट है कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। नेक्स्ट है दांत के दर्द को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो आपकी लौंग होती है उसके तेल का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दांत दर्द दूर करने के लिए विटामिन सी अर्थात खट्टे पदार्थों का भी उपयोग होता है। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल, जन्म इनका 1822 में हुआ था और इन्हें आनुवंशिकी का जनक माना जाता है और इन्होंने मटर के बीजों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है पटसन का पौधा, मतलब पूछते हैं कि पौधे का कौन सा भाग किस जगह से प्राप्त होता है। पिछली बार का क्वेश्चन है पटसन का रेशा पटसन के पौधे के तने भाग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो बीज से। नेक्स्ट है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो वो होता है वर्तिकाग, ये पाउडर जैसी संरचनाएँ होती हैं, आपने पौधे में देखा होगा। नेक्स्ट है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो अफीम पौधे के अधपके फल से। नेक्स्ट है किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती है, तो दालचीनी। नेक्स्ट है बीज प्रकीर्णन, अब ये क्या होता है, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जल के द्वारा किस किन किन बीजों का प्रकीर्णन होता है, वायु के द्वारा, तो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था वो भी अभी आपको बताएंगे। तो बीज प्रकीर्णन आखिर होता क्या है, पौधों के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने को ही बीज प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कोई बीज है, जैसे जानवर गए तो उसके पैरों में चिपक जाता है और दूसरी जगह पर चला जाता है, मतलब इस तरीके से। तो जैसे जल के द्वारा नारियल और सिंघाड़े का प्रकीर्णन होता है, बहाव के माध्यम से ये जो है नारियल और सिंघाड़े के बीज दूसरे स्थानों पर पहुंच जाते हैं और वहां इसके पेड़ उग जाते हैं। नेक्स्ट वायु के द्वारा, तो पिछली बार का क्वेश्चन है कि वायु के द्वारा होने वाले बीजों का प्रकीर्णन कौन सा है, तो सहजन के फूल जो होते हैं, आर्किड, मेपल, कंपोजिटी और एस्ट्रेसिकुल, ये आपके वायु के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। नेक्स्ट जंतुओं के द्वारा, तो जंतुओं के द्वारा कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक के जैसी संरचनाएं होती हैं वो इनके शरीर से चिपक जाती हैं और अन्य स्थानों पर बिखर जाती हैं, जैसे यूरेना और जेंथियम। नेक्स्ट है एनीमिया रोग, इससे क्वेश्चन पूछता है कि एनीमिया, कोई व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है तो डॉक्टर उसको दवाइयों के अलावा अन्य चीज़ें खाने की सलाह देता है, तो वो कौन कौन सी हैं? तो एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण हो जाता है और इससे क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर देता है बच्चों को, और बच्चों का जो एनर्जी लेवल है
वो कम हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान फिर उनका नहीं लगता है, तो इसके लिए डॉक्टरी सहायता के अलावा जो डॉक्टर हैं वो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं होगा तो आपका पालक या फिर इस तरीके से दिया होगा मेथी करके। ठीक है, तो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां इसकी पूर्ति करती हैं। नेक्स्ट है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि एक जो वयस्क महिला या पुरुष जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आप याद रखना नवजात शिशु को मतलब ये हीमोग्लोबिन की मात्रा दी गई है 17 से 22 डेसीलीटर, एक सप्ताह के शिशु को ज़रूरत होती है 15 से 20 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की, एक महीने के शिशु को 11 से 15 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है बच्चों के लिए 11 से 13 डेसीलीटर। नेक्स्ट वयस्क पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक हैं इनके लिए 14 से 18 डेसीलीटर। नेक्स्ट वयस्क महिला 18 वर्ष से अधिक की जो है उसको 12 से 16, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये दोनों, ये आप याद रखना और बच्चे वाला भी याद रख लेना। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन विटामिन से पूछे गए थे पिछली बार साइंस से कि किस विटामिन से मतलब कौन सा रोग हो जाता है कमी से, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं और रासायनिक नाम इससे पूछा जाता है, तो याद रखना। यदि पूछता है विटामिन की खोज किसने की थी, तो हॉपकिंस ने की थी 1911 में, और विटामिन शब्द किसने दिया, फंक ने। अब आपके ऑप्शन में यदि हॉपकिंस नहीं है और पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो फिर फंक सही रहेगा। ठीक, दो यहाँ पर आपके टर्म याद रखनी है आपको कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आपका B1, B2, B3, B4 करके होते हैं। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। नेक्स्ट है सभी विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दिया है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी रोग और इसकी पूर्ति के लिए हमें मुख्य स्रोत की सलाह दी जाती है गाजर, पपीता, दूध और अंडा, इसमें मुख्य रूप से आपके विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, इसकी कमी से हो जाता है बेरीबेरी रोग और यह मुख्य रूप से अनाज के छिलकों, तिलहन फसलों और सेम में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक एसिड, इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग और सभी खट्टे पदार्थों नींबू, संतरा, मौसम्बी वगैरह में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, कमी से होता है कैल्सीफेरॉल रोग, इसकी कमी से सॉरी इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कमी से रोग होता है रिकेट्स और यह सबसे ज़्यादा सूर्य की धूप, दूध, मछली, तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं, रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल, इसकी कमी से नपुंसकता जिसे बांझपन कहते हैं और यह मूल रूप से सोयाबीन, अंडे, दूध और फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के, रासायनिक नाम है इसका फिलोक्विनोन, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और यह मुख्य रूप से टमाटर और आंतों में पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखना, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% आने वाला है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और कमी से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट है भारत के मैप से बनने वाले क्वेश्चन, पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनता है, एक तो पूछ लेता है कौन सा आपका संघ शासित प्रदेश है या नहीं है, वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, एक पूछता है किस राज्य के पड़ोसी राज्य कौन से, जैसे कह दिया तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, तो आप यदि मैप माइंड में सेट करते हैं अर्थात अच्छे से मैप को देख कर जाते हैं तो 4 अंक पक्के होंगे, क्योंकि एक दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है इसमें। एक निकटवर्ती राज्य, एक पूछ लेता है आपका कि अरब सागर के नज़दीक राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, इस तरीके से पूछता है। तो याद रखना वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित या जिसे हम संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, तो वर्तमान में कितनी हैं, 8 हैं। अब वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप। पहले ये 2 थे लेकिन 2019 से इनको मिला करके 1 ही बना दिया है। ठीक, नेक्स्ट है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी या जिसे पुदुचेरी कहते हैं और लक्षद्वीप, ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। पूछेगा भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो कितने हैं, 28 राज्य। अब सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु, सबसे उत्तरी राज्य पूछ ले, सबसे पश्चिमी पूर्वी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य, तो याद रखना सबसे दक्षिणतम राज्य आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट है
तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है, तो इसके निकटवर्ती कौन कौन से राज्य स्थित हैं? केरल, कर्नाटक, स्त्रप, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। नेक्स्ट है, अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आपने मैप देखा होगा, तो जो आपका पश्चिमी इलाका है, यहाँ आपका अरब सागर है और इस तरफ आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो जितने राज्य यहाँ स्थित होंगे वो सारे अरब सागर से लगते होंगे, और जो पूर्व की तरफ स्थित हैं वो आपके सारे बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, और यही आपके पश्चिमी घाट पर स्थित राज्य हैं। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत की तट रेखा कितने राज्यों से लगती है? तो आपको बता दें, जितने भी यहाँ पर आपके राज्य स्थित हैं, मतलब 9 राज्य यहाँ पड़ते हैं, तो यही भारत की तट रेखा होती है, और सबसे लंबी तट रेखा यदि पूछता है तो वो गुजरात राज्य की है। तो पूछता है भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं जो तट पर स्थित हैं, तो वो है आपके गुजरात यहाँ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 9 राज्य। ठीक, नेक्स्ट है, तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य होता है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत की मानक समय रेखा, पहला क्वेश्चन, कहाँ से गुजरती है? तो आपकी वो क्या बोलते हैं, इलाहाबाद, नैनी से। ठीक है, और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, नया क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा तो बंदरगाह से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखना ये पूर्वी तट पर स्थित है, पारादीप उड़ीसा में स्थित है बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरन और एन्नूर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, और ये सारे के सारे पूर्वी तट पर। तो ये तो एक क्वेश्चन एक ये बनेगा कि कौन सा पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है, या फिर राज्य पूछ लेगा कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, तो पश्चिमी पर कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई और निहावा सूबा बंदरगाह महाराष्ट्र में, मर्मागोबा बंदरगाह गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में और कोची केरल में, ये बंदरगाह आपके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है, आपका जो पश्चिमी तट है सबसे बड़ा तट माना जाता है, जिसका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में किया गया है, तो जो आपका पश्चिमी तट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला, गुजरात से गोवा तक के तट को कहते हैं कोंकण तट, इसके बाद आपका गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तट कहलाता है केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तमिलनाडु का तट कहलाता है मालाबार तट। तो पूछ सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं पशु और जानवर से संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो पशु और जानवर, एनिमल से संबंधित क्वेश्चन, पिछली बार भी इसकी क्लास ली थी तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पशु जो है आपके एक उपविषय होता है, पशु, पौधे, कार्य एवं खेल और संबंध। ठीक है, इससे पिछली बार नए क्वेश्चन बने थे, स्तनधारी क्या होते, सरीसृप क्या होते, उभयचर क्या होते, पक्षी वर्ग क्या होता है, कीट में कौन कौन से कीट होते हैं, कौन सा कीट के अंतर्गत नहीं आता। तो सबसे पहले याद रखना, सरीसृप जिसे रेप्टाइल्स कहते हैं, ये स्थल और जल दोनों में निवास करने वाले होते हैं और पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इनको रेप्टीलिया कहा जाता है। अनियतापी होते, मतलब इनका ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदलता नहीं है। इन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते और त्वचा चिकनी बेलनाकार होती है, ना ही इनके कान दिखते हैं। तो ऐसे जंतु अंडों को जन्म देते हैं, इन्हें अंडयोज कहते हैं, मतलब जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और कान भी बाहर दिखाई नहीं देते। जैसे आपने सर्प को देखा होगा, क्या सर्प, इसके बाद आपने छिपकली को देखा होगा, तो इनके शरीर पर ना तो बाल होते हैं ना ही कान दिखाई देते हैं। तो ये किसको जन्म देते हैं? अंडों को। ठीक है, याद रखना, अंडयोज कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर उदाहरण दिया है छिपकली, सर्प, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ। क्वेश्चन क्या बनता है, निम्न में ऐसे कौन से अंडयोज नहीं है या फिर है। ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट है, उभयचर, एम्फीबिया जिसे कहते हैं, ये भी जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। उभयचर अनियततापी जंतु हैं, अर्थात इनका ताप भी वातावरण के ताप के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे मेंढक, पूछेगा उभयचर वर्ग का जीव है तो वो मेंढक है। ठीक है, दादुर मेंढक इसे कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? तो वो टेडपोल कहलाती है, याद रखना। नेक्स्ट है, पक्षी, पक्षी नियततापी होती, मतलब ये वातावरण के ताप के अनुसार अपना ताप बदल सकते हैं। यदि गर्मी है तो वो ठंडक ला सकते हैं शरीर में, और यदि ठंडक है ज़्यादा तो वो गर्मी ला सकते हैं। तो पूछेगा कि पक्षी होते हैं नियततापी या अनियततापी, तो नियततापी। ठीक, अब पक्षी आपके जो हैं ये उड़ते भी हैं, जमीन पर भी तेजी से चलते हैं, और ये अंडयोज होते हैं, मतलब अंडों को जन्म देते हैं।
तो कौन कौन से पक्षी होते हैं? कबूतर, गौरैया, मैना, तोता, कीवी, आस्ट्रिच और मोर। नेक्स्ट है आपका स्तनधारी। स्तनधारी क्या कहलाते हैं? जैसे मैमल्स कहते हैं तो यह अनियततापी होते हैं, गर्मी में गर्म, सर्दी में सर्द। इनकी त्वचा बाल रोमों से ढकी होती है और बाहर कान भी दिखाई देते हैं। अर्थात जिनमें ये विशेषता होती है कि जिनके बाल दिख रहे हैं बाहर शरीर के और कान दिख रहे हैं, वो स्तनधारी अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। उदाहरण आपको मानव से ही लेना है, ठीक है। मनुष्य के शरीर पर बाल भी दिखते हैं और यह क्या होता है, इसके कान भी बाहर दिखाई देते हैं। तो किसको जन्म देंगे? बच्चों को, अर्थात जरायुज। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, जो अंडों को जन्म देते हैं वो अंड्योज होते हैं। तो इसमें आ जाते हैं आपके चमगादड़, मनुष्य, हाथी, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, पेंगुलिन, ब्लू व्हेल, गाय, भैंस, बकरी। नेक्स्ट है कीट वर्ग। कीट वर्ग में आते हैं आपके बिच्छू, तिलचट्टा, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, चींटी, रेशम का कीड़ा, केकड़ा, मक्खियाँ, मकड़ियाँ, टिड्डा और झींगा। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, ठीक। कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट हैं। रेशम का कीड़ा, चींटी, मधुमक्खी और मच्छर गंध के माध्यम से अपने समूह के सदस्यों को ढूंढ लेते हैं। कुत्ता, बाघ और शेर मलमूत्र की गंध से अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। डॉल्फिन और बाघ अपनी आवाज़ बदल सकते हैं मौके के अनुसार। शिकार के लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं और यदि बाघिन को बुलाना है तो अन्य आवाज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बाज, गिद्ध और चील। मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी अधिक दृष्टि होती है और शेर, बाघ और चीते की मनुष्य की अपेक्षा 6 गुनी अधिक दृष्टि होती है। मेंढक और छिपकली शिकार के लिए जीव का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका जानवर, एनिमल्स। एनसीईआरटी कुछ पॉइंट हैं, जैसे पूछता है कि रात्रि में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ कैसे रंग में दिखाई देती है, तो काले और सफ़ेद रंग में। और रात्रि को जागने वाले जानवर कौन कौन से हैं? उल्लू, रैकून, चमगादड़ आदि। नेक्स्ट है जानवरों के शरीर पर जो डिज़ाइन पाए जाते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो बालों के कारण होते हैं, ना कि जलवायु के। नेक्स्ट है बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे हम ग्रीष्म निद्रा और शीत निद्रा कहते हैं। तो वो जीव कौन से हैं? मेंढक, छिपकली और सर्प होते हैं। नेक्स्ट है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती, मतलब जानवरों की भी अपनी भाषा होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जानवर का शिकार किस लिए किया जाता है? तो याद रखना, हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है, गेंडे का शिकार सींगों के लिए किया जाता है, शेर, मगरमच्छ और सर्प का शिकार खाल के लिए किया जाता है। पिछली बार क्वेश्चन बना था मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कस्तूरी हिरण का शिकार खुशबू के लिए किया जाता है। तो इतनी फैक्ट आप जानवरों के शिकार के संबंध में याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है जानवरों के दांत, किस जानवर के दांत कैसे होते? पिछली बार पूछा था कि मांसाहारी जानवरों के दांत की आकृति होती है, तो गाय जो होती है इसके आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे, जबकि पीछे के दांत चपटे और घास चबाने के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है गिलहरी, इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि यह चीज़ों को हमेशा कुतरती रहती है और इससे इसके दांत पिसते रहते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली, बिल्ली जो है मांसाहारी होती है, तो इसके दांत नुकीले, मांस को काटने और फाड़ने के काम आते हैं। तो नुकीले दांत आपके मांसाहारी जो जीव होते हैं या जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ, तो उनके दांत इसी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है सांप, सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन यह अपना शिकार चबाकर नहीं बल्कि निगल करके करता है। नेक्स्ट है मेंढक और छिपकली शिकार के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं, किसका? जीभ का। नेक्स्ट है टॉपिक, आप नेक्स्ट टॉपिक जानवरों के कान से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो मगरमच्छ है इसके छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखते नहीं हैं। नेक्स्ट छिपकली, इसके भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं और इन्हीं के माध्यम से सुनते हैं। सर्प के बाहरी कान नहीं होते हैं, यह जमीन पर हुए कंपन को ही मात्र सुन पाता है। नेक्स्ट है चूहा, चूहे के देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने, टेस्ट करने की क्षमता अधिक। पिछली बार पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सूंघने की क्षमता किसकी होती है, तो चूहे की होती है। नेक्स्ट है मछली, खतरे की चेतावनी अन्य मछलियों को किसके माध्यम से देती है? बिजली की तरंगों के माध्यम से। तो यहाँ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि अब टाइम भी बिल्कुल ही कम है, तो ये क्लास जो भी देखेगा उसको बहुत इससे बेनिफिट होगा, ठीक। कुछ जानवर जो आपके एनसीईआरटी में जिनका जिक्र है उनसे संबंधित नींद देख लेते हैं कि किस जानवर की नींद कितनी होती है।
तो यदि पूछ ले कि सबसे कम सोने वाला जानवर कौन सा है, तो वो जिराफ होता है, मात्र 2 घंटे सोता है। हाथी लगभग 4 घंटे, गाय लगभग 4 घंटे, बिल्ली लगभग 12 घंटे और अजगर लगभग 18 घंटे। क्योंकि कोई कन्फर्म नहीं होता कि ये जानवर केवल इतना ही सोएगा, कम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके केंचुए से बन जाते हैं, तो याद रखना, केंचुए को किसान का मित्र, प्रकृति का हलवाहा, पृथ्वी की आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है और केंचुआ एनीलिडा संघ का जीव है। केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है और इन्हीं छेदों के माध्यम से जमीन को हवा और पानी मिल जाता है। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जिनके मल से जमीन उपजाऊ यानी उर्वर होती है। बर्मी कंपोस्ट केंचुए से बनने वाली एक प्रकार की खाद्य होती है और केंचुए पालन को बर्मी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, चींटियों से क्वेश्चन बनता है, तो चींटियाँ मिलजुल कर एक समूह में रहती हैं, इनका काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और श्रमिक चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका है वो किसकी होती है यहाँ पर, श्रमिक चींटियों की। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ पदार्थ छोड़ती जाती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली जो चींटियाँ हैं उनको रास्ता मिल जाता है और इसके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी की चटनी कहाँ पर खाई जाती है आपकी, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है आपका मच्छर, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो यह हमारे शरीर की गंध से, खासकर पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें खोज लेते हैं। मच्छर जल में अंडे देते हैं, इनके द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय मोस्ट इम्पोर्टेंट डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया। मक्खी से डायरिया हैजा और टाइफाइड आदि बीमारियां फैल जाती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं और जब भी हम उस खाने को खाते हैं तो बीमार पड़ जाती हैं। मच्छरों के प्रजनन रोकने का उपाय आपके NCERT में दिया है कि रुके या इकट्ठे पानी में मलेरिया के मच्छर पनपते हैं और इनके प्रजनन को रोकने के लिए हमें उस पानी में तेल डालना उचित रहता है। क्यों? क्योंकि तेल डालने से जल की सतह पर पृष्ठ तनाव उसका कम जाता है जल का और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। बेस्ट उपाय माना जाता है यह मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए। मलेरिया से क्वेश्चन बनते हैं, तो मलेरिया रोगी और इकट्ठे पानी से होता है और इस रोग में मलेरिया में क्या होता है, रोगी को बहुत ही ठंड और बहुत तेज़ बुखार आता है, कपकपी लगती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है और इसको दूर करने की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। मादा मच्छर, मलेरिया का जो मच्छर होता है मादा, यह भूरे रंग का और पंखों पर छींटे होते हैं। इस कार्य के लिए रोनाल्ड रॉस को सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो मच्छर है वो मलेरिया के द्वारा फैलता है, इसके लिए उनको 1902 में नोबल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, एक क्वेश्चन है आपका सामाजिक कीट, तो वे कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी में बस्ती बनाकर रहते हैं वो सामाजिक कीट कहलाते हैं, जैसे दीमक, ततैया, चींटियां, मधुमक्खियां, ये समूह में रहती हैं। ठीक है, लेकिन पूछता है कौन सा एक जो कीट है वो समूह में नहीं रहता, तो वो है मकड़ी, यह अलग रहती है, समूह में नहीं रहती। ठीक, इसके बाद आपका मधुमक्खी से क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना, मधुमक्खी पालन बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव एवं इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा एक कथन मधुमक्खी के संबंध में कथन सही है या गलत है। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का कार्य करते हैं। तो पूछेगा मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है, तो बिहार राज्य के, जिला पूछता है तो मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक, नेक्स्ट है, पिछली बार पूछा था क्वेश्चन कि मधुमक्खी के अंडे देने का उचित समय क्या होता है, तो वो आपका अक्टूबर से दिसंबर और यही उसके पालन का भी मुख्य समय होता है। नेक्स्ट है, लीची के फूल फरवरी माह में ज़्यादा खिलते हैं, इसके झत्ते से क्वेश्चन बनता है, तो इसमें 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देती है केवल, नर मधुमक्खी, इसका मतलब एक झत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं जो केवल प्रजनन के लिए उपयोगी होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती हैं मधुमक्खी झत्ते के लिए। क्यों? क्योंकि यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं और बच्चों को पालन करने का कार्य भी श्रमिक मधुमक्खियाँ ही करती हैं। तो यहाँ दिया है नर मक्खियाँ झत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करती हैं। मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए बक्से का प्रयोग किया जाता है और इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है।
जब मधुमक्खियों को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नृत्य करने लगती हैं, तो दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि ये रस मिल चुका है और वो वहाँ पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो अनीता की मधुमक्खियाँ आपका एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है, तो इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक, पशु पक्षियों के आवास से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से पशु पक्षी का आवास क्या कहलाता है, तो याद रखना बिल जो है वो चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी और गोयरे का आवास स्थान है। घोंसला चिड़िया, कबूतर, कठफोड़वा, बया, बुलबुल का आवास स्थान होता है। शेड़, भेड़िया, लोमड़ी और भालू का आवास स्थान माद या गुफा कहलाता है। कुत्तों का आवास केनल कहा जाता है। बंदर, चील, कौआ, टिड्डे का आवास पेड़ की शाखाएँ होती हैं। छिपकली, चूहे और पालतू जंतुओं का आवास घर होता है। नेक्स्ट है आपका मछली, मेंढक, कछुआ और केकड़े का आवास क्या कहलाता है, जल। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के आवास को कहते हैं पिंजरा या वाड़ा। सुअर का आवास होता है सुकरशाला। घोड़े का आवास होता है अस्तबल। कंगारू का आवास होता है पेड़ की कोठर और मकड़ी का आवास होता है जाल। मुर्गी का आवास होता है दड़वा। तो स्पीड ज़्यादा है लेकिन आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी होगी यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं पशु पक्षियों का भोजन, किस पक्षी का भोजन क्या होता है। तो गाय का भोजन होता है चारा, भूसा और खली। बकरी का हरी पत्तियाँ। घोड़े का मुख्य भोजन दिया है, ठीक है, चना। मुर्गी का होता है दाना। कबूतर बाजरा। मछलियाँ आटे की गोलियाँ। कुत्ते और बिल्ली का मुख्य जो है भोजन होता है दूध, रोटी और मांस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं। और जिसने पिछला वीडियो जिसमें हमने EVS महामैराथन आपको मतलब मैराथन करके दी थी एक घंटे की, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी आपकी NCERT वेस्ट, तो आप वो भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।